हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पार्लियामेंट वाला चैप्टर हम कवर कर रहे थे, अब हम इसके कोर पार्ट पर आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल वन और फाइनेंशियल बिल टू में क्या अंतर होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। इससे पहले आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। यदि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम सीधे चैप्टर पर आते हैं। बात करेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल क्या होता है? देखिए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 110 यानी आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। कोई सा भी बिल मनी बिल कब हो सकता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं, अब हम उन्हें वन बाय वन देखते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी बिल जिसमें किसी टैक्स को इम्पोज़ किया जाना है, किसी टैक्स को अबॉलिश किया जाना है, किसी टैक्स को रेमिट यानी कम किया जाना है, या फिर टैक्स में किसी तरह का फेरबदल करना है, ऐसा कोई प्रोविज़न यदि किसी बिल में है तो उसे मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग को रेगुलेट करने से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है बिल में तो उस बिल को मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी से रिलेटेड या कोई प्रोविज़न है, या फिर इन फंड्स में किसी तरह का पेमेंट किया जाना है, या इन फंड्स से किसी तरह का विड्रॉल किया जाना है और इनसे रिलेटेड कोई प्रोविज़न है तो उसे मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी तरह का अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी यानी पैसे निकालने का कोई प्रोविज़न हो तो उसे मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। यदि ऐसा कोई डिक्लेरेशन हो जिसमें एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर ऐसा कोई प्रोविज़न हो जिसमें कोई भी एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको बढ़ाने का कोई प्रोविज़न हो तो उसे मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना हो, या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालना हो, या फिर इन दोनों ही फंड्स से इनकी कस्टडी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट के ऑडिट से रिलेटेड कोई प्रोविज़न हो तो उसे भी मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। और हमने जो भी मैटर्स डिस्कस किए उनसे इंसिडेंटल कोई मैटर है उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न है तो बिल को ट्रीट किया जाएगा मनी बिल की तरह। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने ये देखा कि किन कंडीशन में कोई किसी बिल को मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें बिल को मनी बिल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, वो क्या कंडीशन होती है चलिए देखते हैं। यदि किसी तरह के फाइन्स को इम्पोज किया जाना है, देखिए जब हमने पहले बात की थी टैक्स को जब इम्पोज किया जाता है तब मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन यदि किसी तरह के फाइन्स के इम्पोजिशन की बात हो या फिर किसी तरह के पेनाल्टीज़ के इम्पोजिशन की बात हो तो बिल को मनी बिल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी लाइसेंस की फ़ीस की पेमेंट से रिलेटेड कोई डिमांड हो, ठीक है, या फिर किसी सर्विस से रिलेटेड किसी फ़ीस की का जिक्र हो, कोई प्रोविज़न हो तो इस केस में बिल को मनी बिल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी तरह का टैक्स इम्पोज किया जाता है लोकल पर्पज़ के लिए, या फिर टैक्स अबॉलिश किया जाता है, या टैक्स में किसी तरह का फेरबदल किया जाता है किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी लोकल पर्पज़ के लिए, तो फिर इस तरह के बिल को मनी बिल की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई सा भी बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है ये डिसाइड करने का काम लोकसभा के स्पीकर का होता है। ठीक है, इसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही इस बात को किसी भी हाउस में जिक्र किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है कि जो भी स्पीकर ने डिसीजन लिया है बिल से रिलेटेड कि बिल मनी बिल है या नहीं है, ये सही है या गलत है, इस बात पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। जो लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। जब भी लोकसभा से मनी बिल को राज्यसभा में ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें जो हमारे स्पीकर होते हैं वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये बिल मनी बिल है, वो ऑथोराइज़ करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, तब जाके बिल जो है वो ट्रांसमिट होता है दूसरे हाउस में यानी राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं राज्यसभा के पास। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो राज्यसभा है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अमेंड नहीं कर सकता,
सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है राज्यसभा। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज मनी बिल को रिटर्न करना होता है लोकसभा के लिए, ठीक है, बिना किसी रिकमेंडेशन या रिकमेंडेशन के साथ। यदि लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल को पास माना जाता है, ठीक है। यदि लोकसभा राज्यसभा के रिकमेंडेशंस मनी बिल पर जो राज्यसभा देता है उन्हें एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो भी बिल को पास मान लिया जाता है, यानी राज्यसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड कोई पावर नहीं होती है। यदि राज्यसभा विद इन 14 डेज बिल को रिटर्न नहीं करता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया है। जब बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट या तो उसमें अपना एसेंट दे सकते हैं या तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब रिटर्न क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीज़न ये है कि जब भी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी पहले से प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए प्रेसिडेंट मनी बिल्स को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, समझ गए। यूजुअली प्रेसिडेंट जो होते हैं मनी बिल में अपना एसेंट दे देते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स के बारे में। ऐसे बिल्स जो कि फिस्कल मैटर्स के साथ डील करते हैं, फिस्कल मैटर्स का क्या मतलब होता है, यदि किसी तरह के रेवेन्यू या किसी तरह के एक्सपेंडिचर के साथ बिल्स डील करते हैं तो वो फाइनेंशियल बिल्स की कैटेगरी में आते हैं। फाइनेंशियल बिल बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है मनी बिल, जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 110 यानी 110 में है। दूसरे होते हैं फाइनेंशियल बिल्स 1, जिनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 117 पार्ट 1 में है। दूसरे होते हैं फाइनेंशियल बिल्स 2, ठीक है, इनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 117 पार्ट, इसका सब पार्ट 3 में इसका मेंशन है। 117 का जो सब पार्ट 3 है उसमें फाइनेंशियल बिल्स 2 का मेंशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनी बिल्स होते हैं वो एक तरह से फाइनेंशियल बिल्स ही होते हैं। सभी मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स नहीं होते हैं, इस बात को आप याद कर लीजिए। सभी मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे फाइनेंशियल बिल्स जिनमें आर्टिकल नंबर 110 में जो भी कंडीशंस मेंशनड हैं, यदि वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स 1 के बारे में, ठीक है। ऐसे फाइनेंशियल बिल्स जिनमें जो भी कंडीशन दी हुई हैं आर्टिकल नंबर 110 में, उनके साथ साथ कुछ जनरल लेजिस्लेशन की कंडीशन होती हैं, कुछ जनरल लेजिस्लेशन की कंडीशंस होती हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि ऐसा कोई बिल है जिसमें बोरोइंग क्लॉज तो है लेकिन वो बिल एक्सक्लूसिवली बोरोइंग के साथ डील नहीं करता है तो वो फाइनेंशियल बिल की कंडीशन में आता है, ठीक है। जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है वो दो रिस्पेक्ट में एक ऑर्डिनरी बिल्स की तरह ही होता है, ठीक है, दो रिस्पेक्ट में वो मनी बिल्स की तरह होता है। इसका मतलब क्या होता है, वो दो कंडीशन क्या होती हैं, देखिए जो मनी बिल होते हैं और जो फाइनेंशियल बिल 1 होते हैं ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद जो मनी बिल्स होते हैं और जो फाइनेंशियल बिल 1 होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हर दूसरी कंडीशन में जो भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा चाहे तो फाइनेंशियल बिल 1 में अमेंडमेंट कर सकता है, राज्यसभा चाहे तो फाइनेंशियल बिल 1 को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यदि फाइनेंशियल बिल 1 में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है तो जो प्रेसिडेंट हैं जॉइंट सिटिंग समन कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में अंतर क्या होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मनी बिल्स होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो किसी मिनिस्टर के द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मनी बिल्स हैं वो सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनमें प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के भी वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मनी बिल्स होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले से प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनमें जो राज्यसभा है बिल पर अमेंडमेंट कर सकती है, राज्यसभा चाहे तो बिल को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन जो मनी बिल्स हैं उनमें राज्यसभा के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं, राज्यसभा बिल को अमेंड नहीं कर सकती, राज्यसभा बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो राज्यसभा में 6 महीने तक रह सकते हैं, ठीक है।
जबकि जो मनी बिल्स हैं, मनी बिल्स को राज्यसभा को विद इन 14 डेज रिटर्न करना होता है। ठीक है, यदि जो हमारे पास ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनमें किसी भी तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारे मनी बिल्स होते हैं उनमें जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो सर्टिफाई करते हैं कि ये बिल मनी बिल है। ठीक है, यानी कि इसमें जो स्पीकर होते हैं उनके सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, जबकि जो मनी बिल्स होते हैं उनमें किसी तरह का डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती है मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस में। ठीक है, यदि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में फेल हो जाता है तो इसे तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होता है। ठीक है, और इसी तरह से यदि मनी बिल भी डिफ़ीट हो जाता है तो भी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के पास जब ऑर्डिनरी बिल जाता है तो प्रेसिडेंट या तो उसे अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास रिटर्न करने का पावर नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो अप्रूव कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं। समझ गए, ये डिफरेंस था ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स वन हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स टू के बारे में। इनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1173 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनका प्रोविजन होता है। फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल बिल्स टू में ऐसे प्रोविजंस जिन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है उनका प्रोविजंस होता है। कंटेंस प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए जो हमारे आर्टिकल नंबर 110 में होता है, यानी जो हमने पहले कंडीशंस डिस्कस की थी आर्टिकल नंबर 110 की, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इन्हें एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है हर रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जॉइंट सिटिंग करवाई जा सकती है डिसएग्रीमेंट की कंडीशन पे, और जो प्रेसिडेंट हैं इस तरह के बिल्स को रिटर्न भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए जॉइंट सिटिंग क्या होता है। जॉइंट सिटिंग बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिल्स का, तो डिसएग्रीमेंट की कंडीशन क्या होती है, देखिए, यदि लोकसभा से बिल पास हो गया है, ठीक है, और राज्यसभा ने बिल में कुछ अमेंडमेंट दिया है और लोकसभा उन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि राज्यसभा जो है या फिर जो भी दूसरा हाउस है उस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर जो तीसरी कंडीशन है कि जो दूसरा हाउस है वो 6 महीने तक बिल पर कोई भी एक्शन ना ले। इन तीनों कंडीशन में डिसएग्रीमेंट की कंडीशन हो जाती है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग को समन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जॉइंट सिटिंग जो होती है ऑर्डिनरी बिल्स के लिए की जा सकती है, फाइनेंशियल बिल्स के लिए की जा सकती है, लेकिन मनी बिल्स के लिए नहीं की जा सकती है। जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, और जो जॉइंट सिटिंग का कोरम होता है, यानी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है जो रिक्वायर होती है सिटिंग को कैरी आउट करवाने के लिए, वो होती है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, जितने भी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसका 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कोरम कंप्लीट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें किसी भी तरह का नया अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्शन है इसमें कुछ, सिर्फ दो तरह से इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। देखिए, यदि ऐसा कोई अमेंडमेंट हो जिसकी वजह से फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, इस तरह का अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, डिसएग्रीमेंट की वजह से यदि बिल के पैसेज में देरी आ गई है उसकी वजह से यदि किसी तरह के अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कौन से बिल्स हैं जो जॉइंट सिटिंग से पास होकर आए हैं। देखिए, एक है डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो 1960 में आया था, वो जॉइंट सिटिंग से पास होकर आया था। उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील एक्ट जो था 1977 का, वो भी जॉइंट सिटिंग से पास होकर आया था। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में जो आया था, वो भी जॉइंट सिटिंग से निकल कर आया था। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।